क्या होता है कोरा, कैसे करना है हमें उसको यूज, क्या कोरा से हम अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि, आप देख रहे हैं टॉप गुरुज। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कोरा क्या होता है, कैसे हम इसको यूजफुल बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, और अगर हमारी कोई क्वेरी है या फिर हमें कोई कई चीज़ों के आंसर्स पता हैं तो हम कैसे अपने उसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कैसे हमें जो जिन क्वेश्चंस के आंसर हमें पता है हम उनका लोगों को जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, सीखते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर कोरा क्या है, कोरा को कैसे यूज़ करना है और कोरा होता किस लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरा क्या चीज़ है। कोरा दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है कि जहाँ पे आप अपने कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, चाहे वो किसी फील्ड से रिलेटेड हो, आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर जिन लोगों का एक्सपीरियंस उस चीज़ से रिलेटेड होता है वो वहाँ से उस पे आपका आंसर दे देंगे। तो ये सजेशंस मिल जाती है एक्सपीरियंस वाले बंदे, आपकी गाइडेंस मिल जाती है आपको। तो एक ऐसा सिंपल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपना क्वेश्चन पूछते हैं अपने या फिर आपको पता होता है तो आप भी अपना एक्सपीरियंस उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये सिंपल एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आपको ईजिली कई चीज़ों के आंसर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको किससे ना पूछने की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको किसी को फ़ोन करना पड़ेगा, ना आपको किसी को फीस देनी पड़ेगी। ईजिली एक फ्री की नॉलेज या फिर फ्री की गाइडेंस आपको यहाँ से मिल जाती है। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट में बात करते हैं आखिर कोरा को यूज़ कैसे करें, कैसे कोरा को बनाएं। आपको पता होगा लेकिन आपको आपने काफ़ी जगह देखा होगा कोरा आपने सुना भी बहुत होगा लेकिन आपको पता नहीं कैसे यूज़ करते हैं। तो आज इस बात का मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको कोरा यूज़ करना है। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको गूगल खोलना है। गूगल खोलने के बाद आपको यहाँ पे क्या टाइप करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है कोरा। जैसे आप कोरा.com आप पे आप एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि एक इसका होम पेज खुलेगा। होम पेज ऐसा खुलेगा कि यहाँ पे तो ये सेकंड पेज पे आ गया है कि यहाँ पे व्हाट योर इंटरेस्ट पूछ रहा है, लेकिन उससे पहले आपको पूछेगा कि आपका जो कंटिन्यू विद गूगल करेंगे या फिर आप कंटिन्यू विद फेसबुक करेंगे। मैं आपको दिखा सकता था दोस्तों बट इसमें शायद ये ऑप्शन अभी आ नहीं रहा है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ दोबारा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको इसमें टाइप करना है कोरा। जैसे आप कोरा लिखेंगे तो कोरा.com बुके ये खुल जाएगा। अब ये दोस्तों यहाँ पे पूछेगा कि कंटिन्यू विद गूगल करें या कंटिन्यू विद फेसबुक या फिर अपनी कोई स्पेसिफिक लॉगिन जीमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे से जीमेल आईडी पूछ रहा है, मैं जीमेल आईडी कर देता हूँ यहाँ पे अपनी। दोस्तों मेरी यहाँ पे जीमेल आईडी लॉगिन हो चुकी है और अब ये कुछ सेकंड्स टाइम ले रहा है। अब जैसे ही आप लॉगिन कर देंगे या फिर अपना फेसबुक या आप अपने गूगल जीमेल से कर देंगे या फिर कोई स्पेसिफिक जीमेल आईडी लॉगिन कर देंगे, उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है उसमें आपसे पूछेगा व्हाट आर योर इंटरेस्ट। तो आप दोस्तों अपने इसमें इंटरेस्ट चुन सकते हैं, आपका कितनी फील्ड्स में इंटरेस्ट है या फिर आप किस किस चीज़ की आप चाहते हैं कि आप उनके सबके बारे में पढ़ सकें, लोगों के ओपिनियन देख सकें या फिर आप अपने ओपिनियन शेयर कर सकें। तो दोस्तों मेरे कुछ ओपिनियंस हैं यहाँ पे, आप करीब आप 10 चीज़ों में सेलेक्ट कर सकते हैं करीब। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने चेक कर लेता हूँ, एक तो टेक्नोलॉजी और एक हो जाएगा हेल्थ, हो जाएगा मूवीज़, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स एंड फैशन स्टाइल, बिजनेस, मार्केटिंग, टेलीविजन सीरीज एंड जर्नलिज्म, एजुकेशन, एंड देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। दोस्तों यहाँ पे भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं।
आप 10 मिनिमम चूज़ करिए, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, कोई उसमें इश्यूज़ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैंने कंटिन्यू किया तो फिर एक ऐसा होम पेज आपके सामने नज़र आएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे फीड, फीड मतलब जो भी होम पेज पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो जिन लोगों ने मेरे जो जो इंटरेस्ट मैंने चूज़ करे हैं उससे रिलेटेड अपने क्वेश्चंस डाल रखे हैं, या फिर जो भी एजुकेशन से रिलेटेड चल रहा है वो सब आपको शेयर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा, उसके आंसर चल रहे हैं, यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं। वर्ल्ड वाइड होता है दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि इंडिया में आपके लोग कमेंट करेंगे, मतलब जिससे रिलेटेड भी अगर आप अपना क्वेश्चन डालते हैं तो आपका जवाब कोई भी दे सकता है, ऐसा नहीं होता। तो आप फीड के नीचे देखेंगे जो जो मैंने अपने मैंने इंटरेस्ट चूज़ करे, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया, इस पर क्लिक करते हैं। अगर मैं सपोज कर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ वुड यू एडवर्टाइज योर सेल्फ इन ऑन कोरा कोरा। तो देख सकते हैं हेलो गाइज माई नेम इज, मतलब लोगों ने अपने ओपिनियन शेयर कर रखे हैं। आर यू लुकिंग फॉर अ बूस्ट इन अ करियर और बिजनेस, लोग अपने अपने यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप्स ये सब चीज़ें करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि अगर आपको बेस्ट करियर चुनना है तो ये एक अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म हो जाता है लोगों को, जहाँ पे गाइडेंस मिल जाती है, एजुकेशन से रिलेटेड अपडेट्स मिल जा सकती हैं, तो ये सब चीज़ देख सकते हैं हम। सेकेंडली अगर यहाँ पे आप आंसर पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन जो 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 फील्ड्स मैं चूज़ कर रखी हैं उससे रिलेटेड मेरे पास क्वेश्चंस होते हैं जिनके मैं आंसर कर सकता हूँ। पूछा इज एसईओ अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, अब इसमें आप आंसर कर सकते हैं अगर आपको पता है। अब मेरे सेकंड क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे से रिलेटेड, जो मुझे शोकेस हो रहा है, विच कलर शर्ट्स लुक्स गुड विद लाइट ब्लू जीन्स, ये मैंने मैंने फैशन डिजाइनिंग में चूज़ करा था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है। अब थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हाउ टू वर्न डिजिटल लर्न डिजिटल मार्केटिंग। एक्चुअली स्पेलिंग मिस्टेक है तो मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, लर्न है वो, हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, तो इससे रिलेटेड भी वो पूछ सकता है आपको। अगर आपको लगता है कि आप बेटर वे में लोगों को अपनी गाइडेंस पहुंचा सकते हैं, आप समझा सकते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे ही बहुत सारे सीरीज है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिसके आप आंसर कर सकते हैं आप। और एक और बात मैं चीज क्लियर कर दूँ कि जो जो इंटरेस्ट आपने चूज करे होंगे उससे रिलेटेड ही आपके सामने क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही कोई फालतू क्वेश्चन नहीं होंगे। अब थर्ड मैं स्पेसिस पे क्लिक करता हूँ, अब जैसे मैं स्पेसिस पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को बहुत सारे ऑप्शन दिख जाते हैं, वर्किंग इन ONC, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पब्लिशिंग इन इंडिया, तो ये फॉलोअर्स बता देता है, अपडेट्स बता देता है कि भाई स्पेसिस क्या कहाँ 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 स्पेसिस है। अब ये पूछ सकता है कि फॉलो स्पेस या इस तरह की चीज़ों पे आप फॉलो कर सकते हैं, तो बहुत सारे ओपिनियन आ जाते हैं, हाउ टू यूज़ द ब्रेन, इस्लाम एंड म्यूज मुस्लिम्स मूवी वर्ल्ड, तो ये भी बहुत सारे आपको देख सकते हैं स्पेसिस यहाँ पे शोकेस हो जाते हैं। अब मैं फोर्थ क्लिक पे क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन, दोस्तों नोटिफिकेशन मेरी अभी कोई है नहीं, मैंने अभी करंटली नया नया अकाउंट बना हुआ है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि जैसे अगर आप भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उससे रिलेटेड अगर किसी का आंसर आता है तो आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पे शोकेस हो जाता है, या फिर अगर आप आंसर करते हैं समबडी हैज़ लाइक्ड और आपका आप कोई लाइक कर देता है तो वो भी नोटिफिकेशन में शो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है या आपको किसी को कैसे अपना सवाल आप लोगों तक पूछ सकते हैं या अपना पहुँचाएंगे, तो द बेस्ट वे इज कि आप पूछ सकते हैं ऐड क्वेश्चन और लिंक, आप यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं या फिर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका दोस्तों अगर आप यहाँ पे सर्च कोरा में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपना यहाँ पे क्वेश्चन टाइप करिए, कुछ भी आप पूछ सकते हैं रिलेटेड, लाइक वॉट आपकी वो चॉइस होगी आप क्या पूछना चाह रहे हैं, हाउ टू, अब मैं सपोज करो मैं आपको पूछता हूँ वॉट हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन फेसबुक, एक बहुत सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों ने बता रखा है हाउ कैन आई क्रिएट मल्टीपल एड अकाउंट्स इन वन फेसबुक अकाउंट, हाउ डू आई क्रिएट अ फेसबुक अकाउंट, यहाँ पे लोगों ने बहुत पूछे हुए हैं सवाल, जिसमें से कि अगर आप चाहें इनका आंसर लेना चाहें तो सिंपली आप इन पे क्लिक करके इनका आंसर भी पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ कोई भी चीज़ की, या मैं पूछता हूँ कि हाउ टू ग्रो अवर लिंक्डइन पेज, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी बता रखा है व्हाट इज द बेस्ट वे टू ग्रो लिंक्डइन ग्रुप मेंबरशिप, व्हाट इज द बेस्ट वे टू क्विकली ग्रो अवर लिंक्डइन नेटवर्क, तो यहाँ पे बता रखा है कि कैसे अपना ग्रो करना चाहिए। तो आप अगर आप चाहें तो आप पूछ सकते हैं ऐसे यहाँ पे करके, आपको क्या करना है सीधा ये क्वेश्चन हटाना है और यहाँ पे ऐड क्वेश्चन पे आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पे क्या पूछता है कि टिप्स ऑन गेटिंग गुड आंसर क्विकली, वो बोल रहे हैं कि अगर आपको आंसर फटाफट चाहिए तो आप क्या करना, मेक श्योर योर क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन आस्क्ड ऑलरेडी,
सबसे बड़ी बात कि अगर आप ये क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं इससे पहले किसी ने क्वेश्चन ना पूछा हो, समथिंग डिफरेंट समथिंग यूनिक हो, अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन पहले जैसे सेम है, जैसे मैंने बताया आप सर्च कोरा में क्लिक करके वहाँ पे अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, अगर सेम है तो वहाँ जाके आपको आंसर ले सकते हैं और ये एक सिंपल प्लेटफॉर्म हो जाता है। और थर्डली वो बोलता है कीप योर क्वेश्चन शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, ये बोल रहे हैं कि आप इतना बड़ा यहाँ पे कहानी मत लिखिए, अपना टू द पॉइंट बात करिए कि आपको क्वेश्चन क्या है और आप चाहते क्या हैं कि आपका क्वेश्चन का आंसर कैसे मिले, तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। और ये पूछता है डबल चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग, अब बोल रहे हैं कि अपना स्पेलिंग और ग्रामर चेक करके डालिएगा, बिकॉज अगर आप स्पेलिंग और ग्रामर चेक करके नहीं डालेंगे तो वो मिसगाइडेंस हो जाएगा। अब यू नो आप इंग्लिश यूज़ करते हैं तो इंग्लिश में एक वर्ड से कई मतलब हो जाते हैं, तो ये भी क्लियर रखिएगा कि आपका जो सवाल है वो सही है कि नहीं। एक बार पोस्ट करने से पहले एक या दो बार आप जरूर चेक करिएगा। अब मैं ये करता हूँ, अपना यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाउ टू ग्रो लिंक्डइन पेज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ और उसके बाद क्या करूंगा मैं दोस्तों, या फिर आप देख सकते हैं इस तरीके से कर सकते हैं हाउ टू ग्रो लिंक्डइन पेज इन अ मंथ, या फिर आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से करने के बाद अपना ऐड क्वेश्चन कर देंगे। तो आप ये क्या कर सकते हैं कि हाउ टू ना लगा के आप पूछ सकते हैं व्हाट आर द बेस्ट वेज। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं। अब जैसे ये करेंगे तो ये पूछता है कि यू आस्क व्हाट आर द बेस्ट वेज टू ग्रो लिंक्डइन पेज इन अ मंथ। अभी यहाँ पे क्या करता है कि एंड एट द टॉपिक द बेस्ट डिस्क्राइब्स योर क्वेश्चन वेरीफाइड दिस टॉपिक डिस्क्राइब्स योर क्वेश्चन लिंक्डइन प्रोफाइल प्रोडक्ट। आप इसमें चूज कर सकते हैं कि अगर आपका जो टॉपिक है वो क्या किससे रिलेटेड है, आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड है, तो ये भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरी प्रोफाइल से रिलेटेड नहीं है, मेरे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, या फिर मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है नहीं है, मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड है, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर सेलेक्ट एंड टॉपिक ऑल्सो डिस्क्राइब योर क्वेश्चन प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेब डेवलपमेंट, तो ये बहुत सारे ऑप्शंस वही आ जाएंगे जो आप सेलेक्ट करेंगे। इस पर आप सपोज कर मैं लिंक्डइन का पूछूँ तो मैं लिंक्डइन कंपनी पे क्लिक कर देता हूँ, कंफर्म टॉपिक्स कर देता हूँ। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ना यहाँ पे आपको पूछता है, यहाँ पे ना अंजलि वाधवानी ये डायरेक्टर एंड ऑर्डर जस्टिस स्ट्रेटजी टू प्रेजेंट है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन के आंसर देती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 19 आंसर इन लिंक्डइन कंपनी। सो ये क्या होता है, इनके 30K फॉलोअर्स है जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे दिखा रहा 30K। तो ये बहुत सारे मेथड्स होते हैं यहाँ पे ना, स्पेशलिस्ट लोग आ जाते हैं जो लिंक्डइन में बहुत माहिर होते हैं, तो इन सब चीज़ों क्या कर सकते हैं आप इनको ना यहाँ पे प्लस करके रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप प्लीज़ अपनी रिक्वेस्ट सजेशन करिए, आप यहाँ पे इनको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ऐसे करके। जैसे प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे तो इन सबको रिक्वेस्ट चलेगी, बहुत सारे लोग आ जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप कई लोगों को भेजें तो आप ऐसे स्क्रॉल करके यहाँ पे कई लोगों को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं दोस्तों, उसके बाद आप डन कर देंगे। दोस्तों ये तो हो गया आपका पूछने का सवाल कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन का आंसर दे, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास स्पेशलिस्ट आपके आंसर दें, तो आप इजीली इस तरीके से अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ हो जाती है, अगर आप चाहते हैं कि आपको आंसर का सॉल्यूशन मिले तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये पूछता है इज वंडर पार्क मूवी हिट और फ्लॉप, सपोज आई एम नॉट विलिंग, मैं क्वेश्चन आपको अच्छा नहीं लगा, आप चाहते हैं कि भाई किसी अच्छी रिलेटेड से आप टॉपिक करें, तो ये पूछता है व्हाट आर द सम ग्रेट टिप्स टू बिकम अ सोशल मीडिया गुरु, तो आप इस पर क्या करेंगे, आंसर पर क्लिक करेंगे और आप अपना क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द सम ग्रेट टिप्स टू बिकम अ सोशल मीडिया गुरु, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले मेंशन करेंगे ग्रेट टिप्स, अपना आंसर उस हिसाब से दीजिएगा जिस हिसाब से वो बंदा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। सोशल मीडिया गुरु, जो सबसे पहले सोशल मीडिया गुरु आप चाहते हैं, सोशल मीडिया में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, तो फर्स्टली आपको
गुड इन कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया पे आपको एक प्रोफेशनल वे में और एक अच्छे वे में कंटेंट लिखना होगा, ताकि जो अब्रॉड आपके जितने भी लोग आपको देख रहे हैं तो उनको लगना चाहिए कि हाँ सही इंफॉर्मेशन और सही वर्ड्स में आप मेंशन कर पा रहे हैं, अपनी जो भी आप चीज़ चाह रहे हैं वो शेयर कर पा रहे हैं। तो कंटेंट राइटिंग इज़ अ मस्ट। और सेकेंड मैं शेयर करूँगा इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। एंड थर्ड आप क्या कर सकते हैं शेयरिंग योर नेटवर्क। नेटवर्क भी बहुत डिपेंड करता है। तो ये मेरा आइडिया ये था कि आप इन तीन चीज़ें या फिर बहुत सारी चीज़ों से आप कर सकते हैं, है तो मेरे पास बहुत सारी, बट मैं स्पेशली जो मेन चीज़ें होती हैं इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद क्या मैं सबमिट कर दूंगा। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये बंदा आपके इन चीज़ों से कहीं और लैंड हो, कहीं और लैंड मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन गो थ्रू, इस तरीके से कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट आप अपनी यहाँ पे अपनी कोई भी साइट अगर आपकी है तो आप यहाँ से उसका भी प्रमोशन कर सकते हैं। आप ऑफिस ये केवल क्या करना है, अपनी साइट का नाम सेलेक्ट करना है एंड इस पर आप क्या करेंगे, जैसे आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ से 1 2 3 आप इस पर यहाँ पे इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे अपनी साइट का URL डाल दीजिए। जैसे ही डाल देंगे तो अगर कोई बंदा यहाँ पे अगर आपको ये पढ़ रहा होगा और वो चाहता है कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन विजिट, तो आपकी वो साइट पे भी चला जाएगा और आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी साइट से ले सकता है। तो दोस्तों इसके बाद क्या आपको करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। अरे पूछ रहा है ऐड आंसर क्रेडेंशियल्स, अगर आप चाहते हैं कोई क्रेडेंशियल ऐड करना तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, मेरा कोई अभी विलिंग नहीं है। और उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अपना आंसर यहाँ पे दे दिया, अगर आप चाहते हैं कि ये शेयर करना है आपको, अगर आप शेयर करना चाहते हैं फेसबुक पे ट्विटर पे तो या कहीं भी आप शेयर करना चाहते हैं तो इसका आप कॉपी लिंक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप फेसबुक से कर सकते हैं ट्विटर से कर सकते हैं और यहाँ पे आप एम्बेडेड आंसर का भी लिंक लगा ले सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी कि आपको क्वोरा पे अकाउंट कैसे बनाना है और आपकी वेबसाइट के लिए वो या आपके बिजनेस के लिए वो कैसे यूजफुल हो सकता है। अगर आपकी दोस्तों फिर भी कोई क्वेरी है किसी चीज़ से भी रिलेटेड, चाहे वो क्वोरा से हो, चाहे वो गूगल एनालिटिक्स से हो, चाहे वो किसी ईमेल मार्केटिंग से हो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग से हो, तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं और मेरी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको जल्दी जल्दी रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो बिना सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबाए ताकि हमारी जो भी कोई नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग टॉप गुरुज।